अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट ले लिया है। आज ही हम लोग आए थे मनीग्राम पे, मेरे भाई ने भेजे थे बाहर से पैसे, वो लोग हम रिसीव करने के लिए आए थे। बस हम खड़े होकर कर रहे थे वेट, हम लोगों ने NIC वगैरह सब कुछ दे दिया था। मैंने सोचा कि मैं व्लॉग शूट कर लूँ। और दूसरी बात मैंने इस वजह से क्लियर की है, मैंने कहा लोग ये ना समझे कि इसकी यूट्यूब की पेमेंट आ गई है। मेरी यूट्यूब की पेमेंट अभी तक नहीं आई, तो ये बस हमें कोई ज़रूरी काम था बाज़ार, हमने सोचा कि पहले हम पेमेंट ले लें, उसके बाद हम जाएंगे बाज़ार। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने बाज़ार से क्या क्या चीज़ ली थी। तो बस रश भी नहीं था, बस आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा नेट का मसला हुआ है, जिस वजह से अम्मी खड़ी हुई थी, मैं बैठ गई थी, मैं कर रही थी वेट, फिर मैं बैठ बैठ के मैं भी थक गई थी। मैंने कहा मैं ज़रा भाई से पूछूँ कितनी देर है। तकरीबन टाइम शाम का हो गया था। दरअसल हमें बाज़ार में दो तीन काम थे, पहले हमने लेने थे शूज़, उसके अलावा हमने लेने थे कपड़े और थोड़ी बहुत ही चीज़ें लेनी थी। ये जी इन्होंने अपना डोर किया हुआ था ओपन, और बाहर से हम मेरी सिटी देख सकते हैं। कुछ लोगों को मेरी सिटी पसंद नहीं आती, पर हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इंसान है जिस जगह पे अपना बचपन गुजारा हो, ज़िंदगी गुजारी हो, उसे तो अपना शहर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस अल्लाह पाक हर किसी को खुश आबाद रखे, दुआएं देनी चाहिए। मैं आपको हमेशा ये बात कहती हूँ कि किसी की हसद ना किया करें, हसद करने वाला इंसान ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। और दूसरी बात ये भी मैं आज बोलना चाहती हूँ कि जो किसी को वादा करके या लारा लगा के कोई किसी का काम नहीं करता, ये भी बहुत बुरी बात है। अगर आप किसी को आस लगाते हैं तो उसकी आस पूरी करनी चाहिए। हमेशा इंसान झूठा नहीं होता, कुछ लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं। ये जी हमारी पेमेंट आ चुकी थी, ये आप लोगों ने अब गैस करके बताना है कि ये कितनी पेमेंट थी। ये जी एक दत्थी थी पैसों की, और कुछ 15-16 हज़ार टूटा हुआ था। ये आप लोगों ने मुझे कमर्स बॉक्स में बताना है कि हम लोगों ने कितनी पेमेंट रिसीव की है। अभी जी हम लोग मनीग्राम से बाहर निकल चुके थे, अभी हम लोगों ने जाना था, पहले स्टैलो में जाना था, मैंने मम्मी के लेने थे शूज़, उसके अलावा हमने कोई कपड़े वगैरह लेने थे, उसके बाद कोई बाज़ार से ग्रोसरी की चीज़ें लेनी थी, उसके बाद हमने जाना था घर। अभी जी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं स्टैलो पे। और दूसरी बात मैं ये कह रही थी कि अगर कोई इंसान मजबूर या बेबस हो, उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि आप समझें कि वो झूठ बोल रहे हैं, पैसे से प्यार करते हैं, बहाने करते हैं, इस तरह किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आज मुझे एक फैमिली मिली थी बाज़ार में, वो अच्छी फैमिली थी, कोई बुरी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि इस तरह हमारा बैग जो है वो चोरी हो गया, तो हमारे पास किराया नहीं है। तो फिर हमने उन्हें किराया दिया। अगर हम लोग ये सोचते कि नहीं नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके पास पैसे हैं, बहाना करें, नहीं, हम लोग किसी की मजबूरी उसके चेहरे से पता चल जाती है, नहीं तो किसी का दिल नहीं करता। तो बस इसी तरह सबकी हेल्प किया करें, मदद किया करें, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अभी ये जी मेरी सिटी, अभी जी हम इधर रुके हुए थे, हम ले रहे थे सब्ज़ी। ये एक हमारी सिटी में नई शॉप ओपन हो चुकी है, इसके साथ ही गोल्ड की शॉप थी। अभी तो इतनी महंगाई हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान गोल्ड की चीज़ें लेता होगा। तो बाज़ार में बहुत ज़्यादा क्राउड था, रश था, पता नहीं अल्लाह ही जानता है क्यों रश था। रश इस वजह से था कि शादियों के सीज़न है, हर बंदा जी शॉपिंग वगैरह कर रहा है। ये जी आगे खड़ी हुई थी लड़की, मैं आई थी शॉप पे अपनी साड़ी देने के लिए। मैंने जी इनसे ली थी साड़ी, इन्हें मैंने बोला था मुझे सिलाई कर दें, इन्होंने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर मैं साड़ी लेके दूसरी टेलर के पास गई, उन्होंने कहा कि ये साड़ी का कपड़ा थोड़ा है। फिर मैं वापस इनके पास आई, रोज मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था, फिर दोबारा साड़ी मैंने इन्हीं दी थी। अभी जी मैं शॉप से बाहर निकल चुकी हूँ, अभी मैं आ चुकी थी स्टाइलों में। मैंने अपनी साड़ी के नीचे लेने थे शूज़ जो मुझे नहीं पसंद आए, तो फिर मैंने नहीं लिए। यहाँ से जी मेरी मम्मी ने लिए थे शूज़, वो आगे अब व्लॉग में देखेंगे किस तरह के लिए थे। तो ये मैंने जी स्टैलो की वीडियो शूट कर ली। मुझे जी स्टैलो के बैग तो इतने ख़ास पसंद नहीं है, पर स्टैलो के मुझे जूते वाकई बहुत ज़्यादा पसंद है। इनके जूते वाकई बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं पर काफ़ी अरसे तक बंदा नहीं यूज़ कर सकता है। अगर आप किसी लोकल दुकान से लेते हैं, क्या इतना फ़र्क नहीं होता, 1,000, 500 या 2,000 का फ़र्क होगा, पर जूता इतनी देर तक चलता नहीं है। कि स्टैलो का जो जूता है वो कम से कम अरसा चल जाता है। इधर से जो मैंने लिया था एक प्लाजो, वो जो सामने प्रिंटेड देख रहे, मैंने वो लिया था। तो मेरी मम्मी ने लिए थे शूज़, और इसके अलावा हमने कुछ नहीं लिया था। दरअसल अभी तक सर्दियों की वैरायटी इनके पास अच्छी तरह आई नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा चले बाद में ले लेंगे। ये जी मैंने लिया था प्लाजो जो प्रिंटेड है, ये आप देख सकते हैं जो ब्लैक एंड वाइट है, ये मैंने लिया था। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वैसे इसका स्टफ़ जो है वो काटन का है, सर्दियों में पहनने वाला नहीं, पर मैंने फिर भी ले लिया। वो कहते हैं ना बंदे शौक़ जब बंदे को आ जाए, बंदा कोई ना कोई चीज़ ले लेता है। ये जी थे इनके बैग और ये जूते वगैरह, ये जी इनकी ज्वेलरी थी। अब स्टैलो वालों ने आपको पता है कि ज्वेलरी वगैरह वॉच सारी चीज़ें रख ली, और मैंने इनकी ज्वेलरी देखी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है ज्वेलरी इनके पास, वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी थी।
और ये जी बच्चों के जूते हैं, बच्चों की सेक्शन है आगे, लेडीज़ का सारा, बॉयज़ का, मतलब एक सेक्शन है। ये जी मैं खड़ी हुई आज अपनी बाजी को आप देख सकते हैं, मैं जी ये जी मैं वो जो कभी कैमरे के सामने नहीं आई, तो मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा व्लॉग में आ जाऊँ, आज मैंने अपना व्लॉग शूट किया है। तो ये मैं खड़ी हुई थी शीशे के आगे और बस थोड़ा सा मैंने अपना व्लॉग किया है, नहीं तो मैं करती नहीं, मुझे शर्म आती है। बस ये अब आपको मैंने स्टाइलो की सैर भी करा दी अपने साथ साथ, मैं तो खुद स्टाइलो में गई हूँ, साथ आपको भी स्टाइलो का सीन दिखाया है। बस ये अभी हमने शूज़ वगैरह ले लिए थे, बस मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर रही थी। अभी जी हम स्टाइलो से निकल रहे थे बाहर, इसके बाद हमने एक दो जगह और जाना था, हमें था काम, तो बस शाम पड़ चुकी थी, अजानें हो रही थी। ये जी मेरी मम्मी ने लिए थे शूज़, ये मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को दिखा दूँ। ये ना बोले कि बस स्टाइलो की सैर कर आई हैं, आपने कुछ नहीं लिया, हमने कुछ ना कुछ स्टाइलो से लिया है। मुझे चीज़ वाकई स्टाइलो की अच्छी लगती है, लोकल चीज़ें मुझे कभी अच्छी नहीं लगती। अभी जी हम आ गए थे कपड़े वाली शॉप पर, ये हमारे सिटी की सबसे अच्छी और बेस्ट शॉप है, इनकी भी जी फिक्स प्राइस है, कहते हैं हमारी फिक्स प्राइस है। मेरी मम्मी जिस तरह के कपड़े पहनती है, लिनन वगैरह के, इतने फैंसी नहीं पहनती। दरअसल हमने किसी जगह जाना था दावत पे, तो मम्मी ने सोचा कि वो एक सूट ले लें। ये जी मेरी मम्मी है प्यारी सी, ये जी पहले मैंने मम्मी के लिए ड्रेस सेलेक्ट किया, तो वो आपको पता है कि हमारी जो माएँ हैं वो इस तरह के तेज़ कलर नहीं पहनती। मेरी मम्मी ने बोला नहीं, ये दोनों कलर मेरी मम्मी को पसंद नहीं आए, उन्होंने नहीं लिए। अभी जी हम तीसरा जो सूट है वो सेलेक्ट करने लगे हैं, और आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि हमने कौन सा सूट लिया था, ये आपको व्लॉग में पता चल जाएगा कि मेरी मम्मी ने कौन सा सूट लिया है। इसके अलावा जी मैंने एक ली थी मैक्सी, सिंपल सी अपने लिए, मुझे मैक्सियाँ वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं बड़े डिसेंट से कपड़े पहनती हूँ, सिंपल से इतने हैवी कपड़े। ये जी मैंने अपने लिए थी मैक्सी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये मैक्सी किस तरह की थी। ये मैंने सिंपल सी ली थी, ये तकरीबन मुझे मिली थी 26 की और 2600 रुपये की, पर अच्छी थी, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अभी जी मेरी मम्मी ने लिया था ब्लैक सूट, वो अभी मेरी मम्मी ले रही है परफ्यूम, मेरी मम्मी को परफ्यूम का बहुत ज़्यादा शौक है। ये जी मैंने पेमेंट दे दी थी, अभी मेरी मम्मी ने उससे ज़िद लगाई हुई थी कि 1000 रुपया कम करो, वो कह रहा था नहीं नहीं बाजी हमारे फिक्स प्राइस हैं। तो हमारे दोनों जो सूट वगैरह हमने लिए थे और परफ्यूम ली थी, हमारा बिल तकरीबन 7000 तक बना था, और इनका जो कपड़ा है वो कभी ख़राब नहीं होता, इनकी शॉप पर रश होता है, कम होता है, पर ये वो बहुत एक्सपेंसिव शॉप है, इस पर लोग कम आते हैं, पर हम लोग इन्हीं से कपड़े लेते हैं, कपड़े कभी भी ख़राब नहीं हुए। अभी जी हम निकल चुके थे शॉप से बाहर, ही ये जी शकील स्मॉल है हमारी सिटी का, हमारी सिटी दस इतनी बड़ी नहीं है, छोटी है, तो बस इनकी शॉप अच्छी है। मेरी ज़िंदगी का एक असूल है, मैं उधर से ये चीज़ लेती हूँ जहाँ से मुझे यकीन हो कि इनका कपड़ा ख़राब होने वाले।